जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो टापू है एक तरह से, शंकर भगवान, जय शंकर भगवान। पूरा जहाज का आप देख सकते हो। अभी हम लोग खड़े हैं राम भवन मंदिर पर, आप देख सकते हैं। ये जो मंदिर है ये धनुषकोडी से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। आप लोग अगर जो इसे देखना है तो या तो पहले धनुषकोडी से होके आइए, धनुषकोडी के बाद आके देखिए। ये राम भवन मंदिर है, बहुत बढ़िया है। अभी मैं दिखाता हूँ। पहले आप लोग देख सकते हैं जो मंदिर में बताया हूँ, उस मंदिर का नाम क्या है? कोथरामा। हाँ, पोथम रामा मंदिर है जो धनुषकोडी से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। आप देख सकते हो उस साइड में, वहाँ पे पड़ता है धनुषकोडी और वहाँ से रोड आता है ये इस साइड में। यहाँ पे आपका पड़ जाता है मंदिर, कोथरामा मंदिर, जिसको हम लोग देखने आए, जहाँ पे भगवान राम जी का मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर भी एक समुद्र के किनारे पे स्थित है। आप लोग देख सकते हैं। आके चलते हैं वहाँ पे, देखिए। हाँ भाई, यही तो मेन चीज़ है। राम सेतु का जो पत्थर था, जो मतलब पानी में भी तैरता है, वो चल के मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, जिसके लिए हम लोग इतना दूर आए देखने। राम सेतु का जो पत्थर था जो पानी में भी तैरते हैं, जिससे प्रभु श्री राम सीता जी को लाने गए थे, जो रास्ता बना था श्रीलंका, जहाँ से गए श्रीलंका जिस पे गए थे, उस पत्थर पे श्री राम लिखा था। वो पत्थर यही है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आ जाओ, चल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं वो पत्थर, यहाँ का सीन ही कुछ ऐसा है, देख सकते हैं गाइस। वो पत्थर वहाँ पे रखा है, देख सकते हैं। राम सेतु का पत्थर देखिए, जो पानी में भी नहीं डूबता। ये सिर्फ प्रभु श्री राम जी का वो है भैया। वो पत्थर देखिए, जल्दी करो, आ जाओ, इधर देखो। देख लिए, यही है राम सेतु पत्थर जो अंकल के ऊपर रखा है। ये राम सेतु का पत्थर तैरता भी है भाई, ये भी तैर, आगे भी दिखा, देख सकते हैं। यही है पत्थर, देख सकते हैं। हमारे जस्ट पीछे राम सेतु है, पत्थर भी दिखाते हैं राम सेतु का जो मिला है, तो तैरा के भी दिखाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम सेतु भाई इधर से स्टार्ट हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। कितना बढ़िया है यहाँ पे। एक्चुअली हवा बहुत ठंडी ठंडी चलते हैं, एकदम माइंड फ्रेश, एकदम रिलैक्स मिलता है। बाकी कोई नहीं। हाय सिद्धू, से हाय। ठीक है, चलते हैं हम फिर बस में। फिर हम लोग को निकलना है कन्याकुमारी के लिए भी, लेट हो जाएगा। जाते भी 2-3 घंटे लगेंगे, तो चलते हैं फिर। ये देखिए, ये रहा राम मंदिर। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, चल के दिखाता हूँ। ये रहा राम मंदिर। यहाँ पे राम मंदिर का एंट्रेंस है, देख सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ से एंट्रेंस है कोथरामा मंदिर। और मंदिर का राम नाम पढ़ते हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो पढ़ के दिखाते हैं। पोथम गोथाम टेम्पल, वो देखो उधर लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बढ़िया है। आप थोड़ा एंड करते हैं, फोटो ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं श्री राम मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ यहाँ पे पहली बार प्रभु श्री राम जी ने रावण को मारा था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रावण चले गए थे श्रीलंका में, दूसरी बार उनको श्रीलंका में मारा था भगवान जी। यहाँ पे जब रावण जी को मारा गया था, प्रभु श्री राम जी ने मारा था, तो उसकी उनको चोट लगने के बाद रूप बदल के वो लोग चले गए थे श्रीलंका में। फिर दोबारा जब उन्होंने मारा था तब श्रीलंका में, तब जाके रावण जी मरे थे। तो अभी हम लोग वहीं पे खड़े हैं राम मंदिर में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक उसके देख सकते हैं आप लोग। कर दे आप लोग देख सकते हैं, ये जिस रिव्यू से लोग देख रहे हैं वहाँ पे राम सेतु है। इस जो रिव्यू से देख रहे हैं ये यहाँ पे राम सेतु दिखा रहे हैं, जो मिट्टी के नीचे शायद, जो ब्लैक कलर का है। आप लोग देख सकते हैं, एक बार दिखा दी भैया, ठीक है। देख सकते हो, हम लोग अभी रास्ते में हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं। ये हमारी बस रही, देख सकते हैं। हम लोग रुके हैं एक छोटा सा हॉल्ट करने, क्योंकि जिसको फ्रेश होना वही फ्रेश हो जाए, उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग को चलते 2 घंटे हो गए हैं, अभी हम लोग को शायद 2 घंटे और लगे कन्याकुमारी। चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कन्याकुमारी, क्योंकि हम लोग राम नहीं, आप कन्याकुमारी जाना है। चलते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग का बस रुक गया है, क्योंकि हम लोग लिए हैं छोटा सा हॉल्ट, यानी छोटा सा ब्रेक। चल के हम लोग पीते हैं चाय वाय, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। क्यों कितना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा हॉल्ट ले लिए, क्योंकि इतना बैठे बैठे पैर दर्द करने लगा। अभी यहाँ से 190 किलोमीटर है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। सोचते हैं थोड़ा सा हॉल्ट ले लें, थोड़ा चाय वाय पी लें, कुछ खा पी लें, फिर निकलते आइए दिखाते कौन सा होता है। ये है इस समय कन्याकुमारी रोड पे, ये दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ शिवम खड़े हैं। क्यों शिवम, कैसा लग रहा है आपको? भाई नीट लग रहा पर अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, ये होटल बढ़िया नहीं, यहीं चलिए, कुछ खाते पीते हैं। क्यों पुण्य, चलो फिर चलते हैं। हे गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो अभी मैं कन्याकुमारी में पहुंच चुका हूँ। अभी रात के बजे 1, बात है कि कितने अंधेरे हैं। तो चल के कर लेते हैं आराम, क्योंकि हम लोग को सुबह 4 बजे उठना है और कन्याकुमारी का सनराइज़ देखना है। तो चल के अभी हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ का सनराइज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। हम लोग शायद अगर हो सके तो बोट करके जाएंगे देखने। तो जब चलते हैं तो हम आप लोग को दिखाते हैं। अभी चलते हैं, पहले आराम करेंगे, चलते हैं फिर। और